उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में हो रहे एम्बुलेंस कर्मी के प्रदर्शन के बारे में बहराइच में प्रदर्शन कर रहे 7 एम्बुलेंस कर्मी को किया गया गिरफ्तार। बहराइच में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन एम्बुलेंस कर्मियों पर प्रशासन द्वारा बर्बरता करने का मामला सामने आया है, जहां अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे एम्बुलेंस कर्मी का न केवल बैनर फाड़ गया बल्कि कार्य पर न लौटने पर 7 एम्बुलेंस कर्मी को हिरासत में ले लिया गया है। एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि उनके पास 84 एम्बुलेंस का चाबियां है। एम्बुलेंस चाबियां प्रशासन को तभी वापस करेंगे जब उनके गिरफ्तार 7 अन्य साथी छोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा उन्हें नहीं छोड़ा गया तो उन्हें आगे हालात बिगाड़ने तथा उनका जिम्मेदार बहराइच जिला प्रशासन होगा। पांडे, आज आप लोग के कुछ साथियों की गिरफ्तारी की गई है, क्या हुआ है, क्या मामला था? जी, जैसे हम लोग शांतपूर्ण तरीके से जिला अस्पताल में धरने पर बैठे हुए थे, वहाँ से सीएमओ साहब का आदेश आया। सीएमएस साहब, हमारा जो बैनर था जिसके नीचे हम लोग धरने पर बैठे हुए थे, बैनर फाड़ दिया गया, वहाँ से हम लोगों को भगा दिया गया है। और वहाँ से गाड़ियाँ हटाते टाइम में हमारे 7 भाइयों की गिरफ्तारी कर ली गई है जिला प्रशासन बहराइच के द्वारा। और हम लोग इस समय सहारा ग्राउंड में खड़े हैं, अपनी गाड़ियों का हैंडओवर हम लोग चाबी जमा कर रहे हैं और प्रशासन से निवेदन करते हैं कि उन 7 लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, अन्यथा समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फखरापुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।